नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। रोहतास जिले के टिहरी इलाके के गेमनपोल पर टिहरी के एसडीएम चंद्रमा अत्री के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। वहीं बगल के जिले औरंगाबाद के वारूण से आने वाले बालू लदी वाहनों को गैमन पोल ही दोनों तरफ से घेर कर जब जांच की गई तो कई बालू लदे ओवरलोड वाहन जो बिना चालान के थे, साथ में पानी टपक रहा था। तकरीबन 3 घंटे चले इस पुलिस प्रशासन की कंबाइंड ऑपरेशन में डेहरी थाना सहित आसपास के थानों सहित खनन विभाग की टीम के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल को भी लगाया गया था। डेहरी के एसडीएम चंद्रमा आद्र ने बताया कि इलाके में लगातार अवैध खनन व परिवहन की सूचना मिल रही थी। इसी सूचना पर कार्रवाई के दौरान आज गेमन पोल पर छापेमारी अभियान चलाया गया। इस अभियान में डेहरी की सीईओ अनामिका कुमारी, नगर थाने के थानाध्यक्ष राजीव रंजन सहित पुलिस प्रशासन की टीम को लगाया गया था। अभियान के दौरान 18 से ज़्यादा बालू लदे वाहनों को जब्त किया गया है। जाँच के दौरान इनके पास से चालान नहीं मिले हैं। वही 3 धंधेबाजों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिन पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। सुनिए चंद्रमा आत्री एसडीएम डेहरी ने क्या कुछ कहा। खनन की हमें सूचनाएं बार बार मिलती जा रही थी कुछ दिनों से, तो उसी के चलते हमने आज सुबह में गैमन पुल में जो बारून औरंगाबाद से गाड़ियाँ आती हैं अवैध तरीके से, उनके ऊपर हमने कार्रवाई की। कार्रवाई में हमें 18 ट्रैक्टर जब्त हमने किए जो अवैध तरीके से चलाए जा रहे थे। सभी के सब ट्रैक्टर ओवरलोडेड थे। कार्रवाई करते रहेंगे रेगुलर इंटरवल पे और ये चलता रहेगा आगे भी कार्रवाई का। कोई मतलब अरेस्टिंग भी हुई है क्या इसमें? अरेस्टिंग भी हुई है क्या? हाँ, इसमें 3 जो ड्राइवर थे वो पकड़े गए हैं। 3 ड्राइवर पकड़े गए हैं, तो 3 ड्राइवर के ऊपर हम FIR करेंगे। और बाकी जो कुछ लोग थे जो लाइनर की तरह काम करते हैं और जो सूचना देते हैं आसपास के, आगे की कार्रवाई में हम उन पे भी FIR करवाएंगे। जिस तरीके से रोहतास जिले में अवैध बालू की ढुलाई चल रही थी, औरंगाबाद जिले के सीमावर्ती इलाकों से होकर अवैध बालू लदे ट्रैक्टर और ट्रक लगातार रोहतास जिले में आ रहे थे, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाते हुए डेहरी SDM चंद्रिका अत्री ने कल एक छापेमारी अभियान चलाया गेमन पुल पे, जिसमें 18 गाड़ियों को जब्त किया गया और 3 लाइनर को भी पकड़ा गया है। चंद्रिका अत्री ने बताया कि इस तरीके की कार्रवाई लगातार होते रहेगी और अवैध बालू की जो ढुलाई चल रही है औरंगाबाद के सीमावर्ती इलाकों से जो होकर रोहतास में आते हैं, इस पर अंकुश लगाया जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।